तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मनिरीक्षण सोने से पहले कर लेना, ठीक है? सभी अपने अपने नवम समलास सत्यार्थ प्रकाश जी, तो उसके हम आरंभ कर लिए थे। ये द्वितीय कक्षा है। अविद्याश्च अविद्यांच विद्यांच अविद्यांच यस्तवेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतम आश्नुते। उसके अर्थ करते हुए महर्षि अविद्या का परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके विपरीत अविद्या के विपरीत अर्थात अनित्य में अनित्य, अनित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में दुख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है। ठीक है, तो मंत्र में विद्या और अविद्या के बाद जो बताया गया पहला लाइन में वो बता दिए। अविद्या चार प्रकार की होता है, चार दुनिया आठ हो जाएगा, और ऐसे ही विद्या उसके जो यथार्थ बोध है इसको विद्या कहेंगे। तो विद्या है अर्थात, उसको आगे खोलते हैं, अर्थात वेत्ति यथावतत्वं पदार्थ स्वरूपं यया सा विद्या। वेत्ति मतलब जानना, यथावतत्वं जैसे जो वस्तु जैसा है उसी को उसी प्रकार से, यथावत तत्वं ठीक है, यथावत तत्वं, यथावत जो जैसा वैसा, तत्वं तत्व को, पदार्थ स्वरूपं पदार्थ के स्वरूप को, यया सा विद्या उसको विद्या कहते हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ है जी? ये आपके नवम समुल्लास के चल रहा अभी चौथे पर्याघा। ये कहाँ का प्रमाण जो बता रहे ना, ये प्रमाण तो ये जो सूत्र आपने अभी पढ़ा ये इसमें तो नहीं है, मेरी पुस्तक में इसमें पहला है विद्याम च अविद्याम च, इसके बाद चौथे पैराग्राफ में चलेंगे। हाँ जी, चौथे पैराग्राफ में चौथे में तो प्रश्न है कि किसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, किसको नहीं हो सकती है। नहीं, उसी फर्स्ट पेज में, उसी फर्स्ट पेज में ही चौथे पैराग्राफ में, अर्थात देखो तो जहाँ पर अनित्य सूची दुख आत्मा रस मिला। संस्कृत का पढ़ रहे हैं, हिंदी का? हिंदी की ही नवम समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश हम पढ़ रहे हैं, उसके आप पढ़ेंगे असूचि अनित्य सूची दुखात्मा न सुमिल गया। हाँ, हाँ, इसके बाद हिंदी में लिखा हुआ है जो अनित्य संसार और देहादि को नित्य अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है। नहीं, मेरे पास हिंदी की तो नहीं है, मैंने इंग्लिश की है मेरे पास, लेकिन बहुत मोटी है वो, उसमें भी ये जो सूत्र आप पढ़ रहे हैं ये नहीं है, तो हजार पेज से भी ज्यादा। हाँ नहीं, वो कोई बात नहीं, तो हिंदी पुस्तक ले लीजिएगा तो मिल जाएगा। हाँ मैं दे दूंगा हिंदी पुस्तक, कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए केवल, ठीक है? नहीं, मैं समझ गया, वो अनुवाद में छोड़ दिए होंगे जो भी है। तो मूल में वो बताते हैं कि विद्या किसको कहते हैं, बताने के बाद बता रहे हैं कि वा इति यथावत तत्वम पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या। ठीक है जी, समझ में आ गया प्रवींद्र जी? ठीक है, आगे बता रहे हैं, यया तत्व स्वरूपम न जानाति भ्रमात अन्यस्मिन् अन्यत् निश्चिन्नोति सा अविद्या। अविद्या उसके विपरीत बताते हैं, यया तत्व स्वरूपम न जानाति, जो तत्व स्वरूप है उसको उसी प्रकार नहीं जानना, भ्रमात भ्रम से, अन्यस्मिन् अन्य को, अन्यस्मिन् फिर अन्य हो गया, अन्यत अन्यस्मिन् को अन्य प्रकार से जानना, इस प्रकार से निश्चित करना, सा
अविद्या है, जो वस्तु जैसा है उसी प्रकार जानना विद्या, उसके विपरीत जानना अविद्या। उसको आगे खोल रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे पदार्थ का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप का न जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहते हैं। हो गया, क्लियर हो गया। जो वस्तु पदार्थ जैसा है उसी प्रकार जानना विद्या है। अर्थात कर्म और उपासना अविद्या इसीलिए ही, ये अर्थात करके आगे बता रहे हैं, जो अविद्या या मृत्युम तृत्वा, ये दूसरे वाक्यों को बताना चाहते हैं। तो अर्थात अविद्या के अर्थात कर्म और उपासना अविद्या इसीलिए है कि यह बाह्य और अंतर क्रिया विशेष नाम है, ज्ञान विशेष नहीं है। अर्थात ज्ञान विशेष के नाम को विद्या लिया गया, और ज्ञान के पास में जो है वो कर्म और उपासना है, तो उसको ले लिया गया अविद्या। ठीक है, महर्षि ये कहते हैं कर्म और उपासना को अविद्या इसलिए है कि वह बाह्य और अंतर क्रिया विशेष नाम है। ठीक है, ये क्रिया विशेष के नाम है, पहले जानते हैं फिर करते हैं, है कि नहीं। तो पहले जानने को ज्ञान कर दिए, और जो करना होता है उस करने में कर्म और उपासना बता दिए। तो ये दोनों चीज भी अविद्या कर्म में बताया गया मंत्र की दूसरी पंक्ति में। इसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुखों से पार कोई नहीं होता। अर्थात अविद्या से मृत्यु को पार होगा, अर्थात ज्ञान शुद्ध कर्म से, सॉरी शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना से हमने मृत्यु को पार करेंगे, उसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थात पवित्र कर्म पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति, और अपवित्र मिथ्या भाषणा आदि कर्म, पाप पाषण मूर्ति आदि के उपासना और मिथ्या ज्ञान से बद्ध होता है, बंधन होता है। तो जो मंत्र का अर्थ यहाँ समाप्त हुआ, विद्यां च अविद्यां च यः तद वेद उभयम् सः। ठीक है, समझ में आ गए क्या होगा? विद्या और अविद्या, हाँ, यह जो तद्वेदो उभयम् सः, यह जो वेद मतलब जानना, दोनों एक साथ। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतम अश्नुते, अविद्या से मृत्युओं को पार करते हुए विद्या से अमृत को प्राप्त करते हैं। अर्थात शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना से। तो कुछ व्यक्ति इसके ऊपर में टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी क्या होता है कि वेद को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पहला वाक्य में जैसे लिखा हुआ है उसके विपरीत अर्थ वाला दूसरे वाक्य में लिखा हुआ है कि नहीं। तो बताया कि विद्या, हाँ जी मृत्यु मतलब जन्म मरण चक्र को मृत्यु कहते हैं, दुख को भी मृत्यु कहते हैं। तो हम जो मृत्युओं को जन्म मरण चक्र से छूट जाएंगे, मुक्ति को ही प्राप्त करेंगे। तो इन ज्ञान जन्म और मरण चक्र से कैसे छूट जाएगा वो अविद्या से? अविद्या से, अविद्या नहीं, अविद्या वो जो अविद्या की बात बता रहे हैं, इसको कर्म और उपासना नाम है। अविद्या को कर्म और उपासना इसलिए कहा गया, जैसे कि मैंने कल बताया था, जैसे ब्राह्मण होता है, ब्राह्मणों के गांव में कुछ अब्राह्मण भी रहते हैं, है कि अब्राह्मण कहने के अर्थात तो ये शूद्र को नहीं कहा जाता है, अब्राह्मण अर्थात जो ब्राह्मण के पास में है, अर्थात जो क्षत्रिय है वैश्य है उनको कहा जाएगा। तो उसी प्रकार से जो पास वाले को भी नए तत्पुरुष समास में कहा जाता है। तो एक तो अभाव अर्थ में होता है, और इस प्रकार से जो नकारात्मक अर्थ में भी होता है, और पास वाले अर्थ में भी होता है। नहीं, यहाँ पर जैसे ये कहा गया कि अविद्या मृत्यु तीर्थवा, तो मृत्यु को कैसे, अब जो शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना के बीच मृत्यु को कैसे पार कर लेता है वो, और विद्या से वो आगे बताए, मोक्ष तो समझ आ गया, उसको अविद्या का अर्थात शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना, केवल विद्या होने से भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, उस ज्ञान से उसको कर्म करना होगा उपासना करना होगा, तब ही मृत्यु को पार कर सकते हैं।
तो वो इसलिए समझ आ गया, अविद्या समझ आ गया, जो मृत्यु है वो किसको बोल रहे हैं, कि मृत्यु मृत्यु का क्या नहीं होगा, मतलब, उसका जन्म नहीं होगा, अगर शुद्ध कर्म से उपासना हाँ करेगा तो ओ मृत्यु को कैसे पार कर देगा, जी वो क्या जी है। जी मैं बताना, उसका जो आप विज्ञान चाहते हैं कि अविद्या अर्थात जन्म, जो कर्म और उपासना के माध्यम से मृत्यु का अर्थ दो भी यहाँ कर सकते हैं, इसको दुख भी कह सकते हैं, किंबा जन्म मरण चक्र से छूट जाना, तो दुखों से जन्म मरण छूट, चक्र से छूटना तो मोक्ष हो गया जी, जो आगे बताया हाँ गया विद्या से, हाँ और जो दुखों मृत्यु से, तीर्थ हमें मृत्यु है वो क्या है। दुखों से छूटना भी कहो कि माँ मृत्यु से छूटना, मतलब मरना, मरने से छूटना, मरना सबसे भयंकर दुख है ना, तो इस मरना से भी छूट जाएंगे जब मुक्ति में जाएंगे तब ही, किंबा दुखों से छूटना तब ही संभव है जब हमने शरीर धारण नहीं करेंगे, शरीर यदि धारण करते हैं तब बुढ़ापा आएगी, भूख होगा, दूसरे पिटाई करेंगे, अन्याय होगा हमारे ऊपर, है कि नहीं, आपके ऊपर अन्याय हो रहा है ना, तो सभी के ऊपर अन्याय होगा या जो भी जन्म हुआ है, तो इसी कारण से ये जो मुक्ति को ही जाने के लिए बताया जा रहा है, इस शुद्ध कर्म से, शुद्ध उपासना से हम इस दुखों साकोर से छूटेंगे, और विद्या से भी, विद्या भी शुद्ध विद्या होगा तभी शुद्ध कर्म कर पाएंगे, शुद्ध उपासना कर पाएंगे, तो इन तीनों, शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इन तीनों से ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये तात्पर्य है। तो आगे बता रहे हैं, देखिए, कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। तो कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? तो हमने किसी ना किसी विषय के विषय में जानते हैं, विजय जी समझ में आ रहा है? अभी क्या विषय में जानते हैं हमने? अभी कुछ विषय जान रहे हैं ना, अपने ज्ञान को जान रहे हैं हमने, इसके साथ किसी ना किसी विषय के पास में बैठते हैं, उसको कहते हैं उपासना, ठीक है, किसी को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस उद्देश्य से बैठते हैं कि मैं उसी चीज के पास बैठते हैं, तो उसको कहते हैं उसका उपासना, और जानना, उपासना और करना, मन में, वाणी से, शरीर से आचरण कर्म करते रहते हैं हमने नियमित। तो अभी जो हम पाठ पढ़ने पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कर्म कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, वाणी से कर्म कर रहा हूँ, और मैं उपासना किसका कर रहा हूँ, सत्यात् प्रकाश पुस्तक का, सत्या महर्षि दयानंद जी के जो ज्ञान है उस ज्ञान का मैंने उपासना कर रहा हूँ, और जान रहा हूँ जो उस पंक्ति लिखा हुआ है उस पंक्ति को मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञान कर्म उपासना से क्षण मात्र भी रहित नहीं हो सकते। तो पविंद्र जी, जब वो सोते हैं उस समय क्या ज्ञान हो रहा है, क्या कर्म हो रहा है, क्या उपासना हो रहा है, जब वो शौचालय में जाते हैं, जब स्नान करते हैं, जब वो उपासना करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं आप व्यवहार में, इन तीनों कार्य हमारा चला रहता है, तो इस तीनों को हम देखना होगा, मैं अभी किसको जान रहा हूँ, किसके उपासना कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, क्योंकि क्षण मात्र से रहित ही नहीं हो सकते, महर्षि दयानंद कहते हैं। अब हाँ जैसे आपने बताया सत्यात् प्रकाश की उपासना, सत्यात् हाँ प्रकाश की ऐसे ही उपासना, सोते समय आप किसका उपासना करते हैं और क्या जान रहे हैं और क्या कर रहे हैं, करना तो हो गया, सो रहे हैं, ठीक है, सोना तो सोना सोना तो कर्म हो गया एक, फिर जानना कि मैंने अच्छे प्रकार सोया हूँ, उठने के बाद पता चलता है मैंने आज बढ़िया नींद हो गया, यह अनुभूति रहता, आत्मा सोता नहीं है, वो देखता है कि चित्त में तमोगुण प्रधान होके है, तो ये अनुभूति, आत्मा कभी सोता नहीं है, आत्मा जागा ही रहता है, वो जान रहा है, मन को जान रहा है, तमोगुण प्रधान वाला मन को जान रहा है, ठीक है, जानोगे, उपासना उसी चीज का है, उपासना कर रहा है, उस विषय को ही जान रहा है, दूसरे विषय को नहीं जान रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अवस्था हमारे उपासना में, ईश्वर उपासना में रहना चाहिए, तो ईश्वर विषय रहेगा और अन्य विषय नहीं रहेगी, ईश्वर विषय को ही हम जानेंगे, ज्ञान भी हो गया ईश्वर को और ईश्वर की उपासना भी हो गया और कर्म भी उपासना में कर रहा हूं, तो उपासना यानी फिर का, ज्ञान भी अगर जानना है और उपासना भी जानना है तो फर्क क्या है। हाँ, उपासना को जानना नहीं कहते, उपासना को कहते हैं पास में बैठना, पास में बैठना अर्थात तो उसके सान्निध्यता को प्राप्त करना, जैसे कि आप भोजन कर रहे हैं, ठीक है, भोजन करने से अभी बैठे कहाँ पर हैं, हमने भोजनालय में बैठे हुए हैं और भोजन के पास में बैठे हैं, तो भोजन की अभी उपासना हो रहा है, परंतु खा भोजन की उपासना, भोजन के पास में बैठे हैं और खा रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं उसका स्वाद हमको ले रहे हैं, ठीक है, तो उस स्वाद का अभी ज्ञान हो रहा है, हाँ ये रसगुल्ला इसको कहते हैं,
चावल इसको कहते हैं। अच्छा, रोटी का टेस्ट ये है, सब्जी का टेस्ट ये जान रहे हैं हमने, और उपासना जो कर रहे हैं उन भोजन को उपासना कर रहे हैं, भोजन के साथ में बैठे हैं, अभी मन में और कुछ नहीं है, हमारा भोजन ही है एकाग्र होके। तो उसी चीज़ में जो रहता है मन में, जिस चीज़ को हम बांधे हुए रहते हैं, जिसके छोड़ते नहीं, जिसको लक्ष्य बनाते हुए बैठे हैं, उसको कहते हैं उपासना। जैसे कि अग्नि के पास बैठ रहे हैं हमने, तो अग्नि के उपासना करते हैं और अग्नि का अनुभव करना, अग्नि के पास में बैठना सप्ताह है और अग्नि का अनुभूति कर रहे हैं, जो गर्मी को ताप को ले रहे हैं वो अग्नि का उपासना हो गई, और अग्नि ऐसा है ये मन में जो जान रहे हैं, ये अग्नि को ज्ञान हो गया, अग्नि का विषय में, और कर्म तो कर रहे हैं, सेक रहे हैं हमने शरीर को, तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बता रहे हैं, इसलिए धर्मयुक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना, मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा हम जीवात्मा सोता नहीं, जी तो अवस्थाएं लिखी है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, ये किसकी है? जीवात्मा की बोध करने की अवस्था है, जानने की अवस्था है, सुषुप्ति की अवस्था है। आत्मा कोई भी सेंसलेस नहीं होता, बोध से, ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं हो सकता। नहीं होता। हाँ, तो जैसे यहाँ पर स्वामी जी लिखे हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। तो सुषुप्ति, तो जब हम सो रहे हैं तो कर्म और उपासना को तो हम मोटे मोटे रूप में मान लेते हैं कि ठीक है कि हम ये कर्म कर रहे हैं सोने का, और उपासना ये है कि बिस्तर है, आराम से सो रहे स्थान जिस पर। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो प्रत्येक क्षण व्यक्ति वहां ज्ञान कर पाता है, ऐसा समझ में नहीं आता। हाँ, तो उसको ऐसे समझना है, पहले तो मैं कौन हूँ, आत्मा की बात है, शरीर का बात नहीं है। ठीक है, आत्मा जो है वो जानना, आत्मा ही जानता है, ज्ञान जो यहाँ आत्मा के विषय है, मनुष्य के जो आत्मा है वो क्षण मात्र से भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं हो सकता, ये बताना चाहते हैं। तो ज्ञान जो अनुभूति होता है वो आत्मा को हो रही है, परंतु वो अनुभूति आत्मा को हो रही है वो पता नहीं क्यों चल रहा है, क्योंकि उसका डिफरेंस नहीं देखता है, सामान्य विषय से देखते हैं ना, तो उस समय दूसरे को जानता है और नींद को जानता है, तब तो बताएगा कि मैंने नींद को अभी जान रहा था, उसको छोड़ के अभी इसको मैं जान रहा हूँ। कभी भी किसी विषय का बोध तब होता है किसी के विशेषता को, सामान्यता को देखने के ही होता है। तो रात्रि में जब हम सो जाते हैं उस समय आत्मा तो जानता है, लेकिन उससे अतिरिक्त विषय को और कुछ जानता नहीं है। जब वो जागृति अवस्था में आता है तब उसको अनुभूति होता है, मैं आज बढ़िया से सोया, नहीं आज तो बहुत कष्ट से सोया, नींद नहीं आया, सपनों जुगते होके सोया, अभी और नींद पूरा नहीं हुआ है, ये जो अनुभूति हुआ हो रहा है ना अभी अनुभूति, वो सारे अनुभूति करने का जो भाव है, फल है, उसको बता रहा है, उसको आवृत्ति कर रहा है आत्मा जो है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा जान रहा है उस समय, आत्मा जान रहा है, तो जैसे हम भी तो आत्मा ही हैं। जब हम सोते हैं तो हमको ये महसूस नहीं होता जी, जब डिप्रेशन है, तनाव है, कोई बाह्य वृत्ति चल रही, तो एक अलग विषय है, सब 3 बज गए, 4 बज गए, तब तक हम जाग रहे होते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो अगर आधा घंटे की भी प्रगाढ़ निद्रा लगी है, 1 घंटे की प्रगाढ़ निद्रा लगी है, तो फिर वहां शून्य हो जाते हैं, जानकारी बिल्कुल होती नहीं है जी। फिर लिखा क्षण मात्र भी ज्ञान से रहे, ये मैं बता रहा हूँ वो जान रहा है, ये आपने ये बता रहा हूँ, उस समय भी जान रहा है, निद्रा को जान रहा है, मैं सो रहा हूँ ये अनुभूति कर रहा है, अर्थात मेरे चित्त में कोई गति नहीं है, तमोगुण प्रधान होकर बैठा हुआ और मैंने उसको देख रहा हूँ, जैसे स्क्रीन है आपके सामने, उस समय वीडियो चल रहा है, कोई चलचित्र चल रहा है, उसमें उसी आधार में मन चल रहा है। जब मान के चले आप स्क्रीन को देख रहे हैं, एकदम खाली एक ही फोटो आके खड़ा है, तो उसको जान रहे ना आपने, कोई वेराइटी चित्र को नहीं जाने, एक फोटो को ही देख रहे हैं आप, एक चीज को देख रहे हैं, उसी प्रकार से आत्मा एक ही चीज को देखता है, कोई उसके हाँ वो अनुभूति करता है, वो सात्विक निद्रा है कि तामसिक निद्रा है कि राजसिक निद्रा है, वो अनुभूति बाद में करता है, वो सुबह जब उठता है शरीर में चेतनता आती है, जागृत तब होता है वो, मैं ये कर रहा था अभी, ये वृत्ति में चल रही थी, अभी मैंने जाग गया। पर अब बात तो ये है कि यहाँ तो आत्मा कोई थर्ड पर्सन तो है नहीं, है सेकंड पर्सन नहीं, हम स्वयं आत्मा है जी। और हम जब सोते हैं, जो भी व्यक्ति सोता है,
तो वो ठीक है, ये सारी बात है ठीक है कि वो सुबह या रात्रि में उसे सपना आएगा या उसे पेशाब के लिए जाना होगा, किसी ने चिल्ला नहीं दिया प्रश्न पूछा। तब वो समझ में आएगा, उसको अलर्ट रहता है। लेकिन जिस समय वो सो रहा है उस मैं समय तो बिल्कुल वो सेंसलेस है ना। इसी को ही तो कहते हैं निद्रा। जब वो सेंसलेस है फिर वो कैसे जाना? पता तो रहा हूँ, ये जान रहा था कि स्क्रीन जान रहा था, अब एक चीज को जान रहा है वो बुद्धि में है उसके, जो डिफरेंस हो जाएगा तो बता देगा, वो डिफरेंस होगा तब तो बताए, देखो मैंने ये जान रहा था अब ये चेंज हो गया, आप मुझे देख रहे हैं जी, ठीक है आपको अनुभूति हो रहा है, मुझे ही केवल देख रहे हैं और कोई विचार नहीं है। आप उस समय नहीं कह सकते कि मैंने अभी इसको जान रहा था, जब आपने किसी को कहेंगे कि बा उसको छोड़ के दूसरी वृत्ति करें, हाँ मैंने ये जान रहा था अभी ये जान रहा था। स्मृति तब होता है कार्य के समाप्ति में, कार्य होते हुए स्मृति नहीं होती है। ठीक बात है। तो जब आप कर रहे हैं तो उसको स्मृति में आवृत्ति कैसे करेंगे, आप कंटिन्यूटी है तो वो उसके बाद में ही स्मृति आती है। अनुभूति होना वो कंटिन्यू हो रही है अनुभूति, लेकिन उसको प्रकट करना तो उसको डिफरेंस बाद में ही कर पाएगा कि मैंने ये अनुभूति कर रहा था। समझ में आ रहा है मेरी बात? किसी भी चीज को हम जब देखते हैं उस चीज को फिर विचार, क्यों मन एक समय में एक ही कार्य करता है, तो मन में तो एक समय में एक ही कार्य कर रहा है कि निद्रा को कार्य कर रहा है वो बाद में बताएगा कब किसको अनुभूति कराएगा, चेंज करा के तो चेंज होगा तो बताए हाँ ये था ये है अभी आया, तो वो इसे बाद में अनुभूति होता, बाद में अनुभूति होता ही निश्चित है। तो सीधे बात है, मैंने अनुभूति कर रहा था, मैंने अनुभूति कर रहा था अभी ये मैं चेंज किया, ये तो अनुभूति स्पष्ट है ना, बस हो गई तो अनुभूति कर रहा था, इसको काट नहीं सकते। ठीक है। आत्मा कभी सोता नहीं है, चित्त में तमोगुण प्रधान हो जाता है, शरीर में भी संचालित होता है, रक्त खून आदि सब चल रहा है, मन में जो चित्त में जिसके आधार पर आत्मा अनुभूति करता है वहां पर तम प्रधान हो जाता है। सप्तरजस्तंभ से बना हुआ है ना मन, तो वो घूमते या आत्मा है तो वो घूमते घूमते रात्रि में क्या होता है, वो स्थिर होता है, वो तमोगुण के जो परमाणु था वो सामने आ जाता है, सप्तगुण रजोगुण पीछे आगे तमोगुण आ जाता है, जैसे आता है उसी चीज को देखता है, बस अभी तमोगुण प्रधान है। तो उसमें सात्विकता युक्त तमोगुण हो तो बढ़िया सी नींद होगी, राजसिकता युक्त हो के तमोगुण, तमोगुण के साथ रजोगुण भी मिला हुआ हो तब वो चंचलता रहेगी, बढ़िया सी नींद आएगा, टूटेगा आएगा नींद टूटेगा, सपने भी आ सकता है। फिर यदि तमोगुण पूर्व प्रधान हो, खाली तमोगुण ही भर गया हो तब वो नींद पूरा, इतनी नींद गाढ़ हो जाएगा तो शरीर में गति करने के लिए मन को कुछ बोध ही नहीं हो पाएगा, तो उस समय वो क्लांत रहता है, वो शांत नहीं हो पाता है और सो जाऊं ऐसी इच्छा होगी बाद में। तो इस प्रकार से अनुभूति आत्मा निरंतर कर रहा है, उसको वो छोड़ता नहीं है यहाँ। ठीक है चले आगे। तो इसलिए बताते हैं, इसीलिए महर्षि ने बताते हैं इसीलिए कि धर्म युक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना, धर्म में सत्य भाषण आदि वाणी का होगा और कर्म सारे होगा कर्म करना, मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। तो अभी विषय हमारा चल रहा है कि अथ विद्या अविद्या बंध मोक्ष विषयानम व्याख्याश्याम, अभी विद्या अविद्या बंध मोक्ष की बात बताएंगे। तो विद्या किसको कहते हैं, अविद्या किसको कहते हैं, कहते हुए अभी मुक्ति का साधन जो है वो विद्या है ये बताए। ठीक है। और अविद्या को अधर्म को छोड़ना, या अधर्म बात भी थोड़ा सा आ गई, अधर्म को छोड़ देना ये मुक्ति का साधन है। अभी ये जो है निश्चित से निश्चयात्मक अर्थ में लिख दिया है। हाँ जी, हाँ जी, देना ही। हाँ, अधर्म को नहीं छोड़ेंगे तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। वो अधर्म क्या है, सत्य भाषण आदि कर्म करना वो धर्म है, और मिथ्या भाषण आदि, मिथ्या भाषण आदि के आदि में क्या लेंगे, मिथ्या भाषण, मिथ्या कर्म, मिथ्या विचार, सब कुछ, ज्ञान कर्म उपासना। ठीक है, तो मूल परिभाषा संक्षेप में यही हो जाएगी, शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना ही धर्म है और उस धर्म आचरण से मुक्ति होगी। स्वामी दयानंद जी के वाक्यों को कोट करें तो, कोट करें तो बताए, धर्मयुक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। वेरी गुड, ही लगा दिया निश्चय से कि यही, अब उसके बाद तो वो जितनी भी व्याख्या हो जाए इसके अंदर आ जाएगी। हाँ, जितना विस्तार इसके अंदर आ जाएगी, मूल सारी है जी। अभी धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं, वो परिभाषा अलग है, विवेचन अलग है।
अभी इसमें प्रश्न जो उठता है उसको चर्चा करते हैं। मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती, प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती, अर्थात तो उत्तर देते हैं महर्षि जो बद्ध है। फिर प्रश्नकर्ता पता है बद्ध कौन है, जो अधर्म अज्ञान में फंसा हुआ जीव है, जो अधर्म अज्ञान से फंसा हुआ जीवात्मा है वह उसको क्या कहते हैं, बद्ध कहते हैं। बद्ध और मोक्ष के मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से, सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं ना अभी तो ये बात आ गई। हाँ हाँ, तो बद्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से, तो महर्षि उत्तर देते हैं निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बद्ध और मुक्ति में निवृत्ति कभी नहीं होते। स्वभाव यदि कहेंगे तब बंधन वाला व्यक्ति मुक्ति में नहीं जा सकता, और मुक्ति में जो गया तो उसको भी निवृत्ति नहीं हो पाएगा, मुक्ति से भी निवृत्ति नहीं हो पाएगा, इसलिए निमित्त से होता है, क्योंकि स्वभाव से होता तो बद्ध और मुक्ति की निवृत्ति, बंधन की निवृत्ति मुक्ति में जाना, और मुक्ति की निवृत्ति मुक्ति से बंधन में आना, ये कभी नहीं होता। तो फिर प्रश्नकार ने एक प्रश्न रखते हैं शास्त्र को प्रमाण देते हुए, हाँ मांडू के उपनिषद के प्रमाण लेते हुए वो शास्त्रकार प्रश्न पूछते हैं, न निरोधो न च उत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुः न वै मुक्ति ही इति एषा परमार्थता। ठीक है, ये मांडुक्य उपनिषद के श्लोक है कि ब्रह्म जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात ना कभी आवरण में आया, ना जन्म लेता, ना बद्ध में है बद्ध है, और ना साधक अर्थात ना कुछ साधना करने हारा है, ना छूटने की इच्छा करता करता, और ना उसके कभी मुक्ति है, क्योंकि जब परमार्थ से बद्ध ही नहीं हुआ है तो मुक्ति क्या, यदि बंधन में नहीं हुआ तो मुक्ति क्या है करना। समझ में आ रहा है कुछ, जो हाँ हिंदी जो संस्कृत भाषा में जो था उसको हिंदी भाषा में महर्षि लिखते हैं, जीव ब्रह्म होने से, जो इसका अनुवाद है ना, कौन बता रहे, एक वेदांती कोई प्रश्न करता मान के चले, पूर्व पक्षी मान के चले, तो उसका अर्थ ऐसे किए वो, जीव ब्रह्म होने से, जो जीवात्मा ब्रह्म होने के कारण से, पहले तो बता दिया जीवात्मा जीवात्मा नहीं है वो ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव के निरोध अर्थात ना कभी आवरण में आया, उसका निरोध होने का कोई प्रश्न है ही नहीं, निरोध मतलब रोकना, रोकना कोई संभव है नहीं कि मैं कोई किसी का आवरण से आया नहीं, कुछ के ढंका हुआ हो घेरों में आ गया हो, ऐसे नहीं है, न जन्म लेता जीवात्मा कभी, ब्रह्म कभी जन्म लेता नहीं, ना बंध है, ना उसको कोई बांध सकता, ना वह साधक है अर्थात वो साधक ने वो तो किसी को कुछ चाहिए नहीं उसको, तो वो साधना करना क्या जरूरी है, तो इसलिए साधन अर्थात ना कुछ साधना करने आ रहा है, कोई मेहनत करने वाला भी नहीं है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने वाला भी नहीं है वो, न छूटने की इच्छा करता, न छूटने की इच्छा करेगा वो तो स्वयं मुक्त ही है तो छूटेगा कहाँ, छूटने की इच्छा करता, न इसके कभी मुक्ति है, क्योंकि जब वो परमार्थ में बद्ध ही नहीं है, किसी भी अर्थ में वो बद्ध ही नहीं है, बंधा हुआ ही नहीं है, तो मुक्ति क्या, मुक्ति किस बात के है, ठीक है। अभी देखिए उसके जो, हाँ की रूपेन जी बताइए, जो प्रश्न था चार नंबर के, हाँ कि किसको मुक्ति हो सकती है, हाँ तो इसका उत्तर दिया कि जो बद्ध है, हाँ बंधा हुआ है, फिर उसके बाद जो अधर्म अज्ञान में फंसा हुआ जीव है, जो अधर्म अज्ञान में फंसा हुआ जीव है, कोई बात नहीं, वो कल करेंगे इसको। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, आर बोल्ड जो बद्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है व निमित्त से होता है, जो बंधन होता है कि वहाँ मोक्ष होता है वो स्वाभाविक है जीवात्मा का कि ये निमित्त है, तो उसको कहे कि निमित्त से है, तो उनने माने नहीं, उनने बताया कि नहीं ये तो जीव है ही नहीं ब्रह्म ही है,
तो ब्रह्म ही होता है, तो ब्रह्म को ये सारे कुछ हो नहीं सकता। तो उपनिषद के जो वाक्य लिए, ना निरोध हो ना च उत्पत्ति ना बद्धो ना च साधक ना मुमुक्षु हो ना भी मुक्ति ही मुक्ति इति ऐसा परमार्थता। ये परमार्थता के कारण से अर्थात तो ईश्वर होने के कारण से, ब्रह्म होने के कारण से ये कोई भी कुछ भी नहीं है, ऐसे प्रश्न था। तो उसको उत्तर में महर्षि दयानंद लिखते हैं, यह नवीन वेदांतियों का कहना सत्य नहीं है। उपनिषद के वाक्य का अर्थ कर रहे हैं, फिर भी महर्षि ने कहते हैं ये जो वेदांतियों ने, नवीन वेदांति है, पहला पुराना वेदांति नहीं, जो वेद को जानने वाला वेदांति होते हैं तो उनकी बात नहीं, जो अभी जो कहते हैं उनके बात जो बता रहे हैं वो सत्य नहीं है। 1,500 साल में हाँ नवीन जी वेदांति बन गए, क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने के होने से आवरण में आना, शरीर के साथ प्रकट होने से रूप जन्म लेना लेता, और पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन में फंसता, उसके छोड़ने छुड़ाने का साधन करता और दुख से छूटने की इच्छा करता और दुखों से छूटकर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। उसका उत्तर में दे रहे हैं कि ये नवीन वेदांती का ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि जीव तो वास्तव में जो जीवात्मा है वो अल्प होने के कारण से वो आवरण में आ जाता है और शरीर के साथ प्रकट होता है, प्रत्यक्ष हम देख ही रहे हैं। तो शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म भी लेता है और पाप रूप कर्म के फल में भोग रूप बंधन में फंसता है। इस बात की अंडरलाइन कर सकते हैं, पाप रूप कर्म कहीं पर अल्प है, यदि तो फिर कहीं से शुरू भी होता होगा और कहीं खत्म भी होता होगा, उसका आकार भी होगा फिर तो नहीं। यह स्वरूप में अल्प होने से आवरण में आता, यदि अल्प कहने का अर्थ क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, अभी स्वरूप में यदि हम आत्मा को अल्प माने और परमात्मा को क्या कहेंगे अल्प के, चलो बृहत बृहत मान लो ये अल्प है, उसको कहते हैं जो वैशेषिक दर्शन के आधार पर इसको कहा जाएगा अल्प परिमाण वाला और वह बृहत परिमाण वाला है। अल्प परिमाण मतलब अल्प स्थान को घेरने वाला और वह बृहत स्थान को घेरने वाला। अब स्थान को घेरने वाला कहने का अर्थ ये नहीं होगा कि भाई जो स्थान को घेरता है वो आकार ही होना चाहिए, उसका कोई रूप ही होना चाहिए, ऐसे बात नहीं है। जैसे टायर के अंदर में हवा है, तो टायर के हवा में आकार है क्या? हवा का कोई आकार है क्या? आकार नहीं है, केवल तो, नहीं है, लेकिन परिमाण तो है ना, बस वही हाँ जी परिमाण है उसमें या जो भी उसका, बस बस उसी जी जी 5 इंच का टायर मान के चले कि 15 इंच का टायर है, तो 15 इंच टायर के अंदर में रहने वाला वो हो गया आपका वायु। ये माप तो कह देंगे कि डाई जो है 15 इंच डाई में रहता है हवा, परंतु उसका हवा का कोई आकार नहीं है ना। तो उसी प्रकार से जीवात्मा अल्प स्थान में रहने वाला है परंतु उसका कोई आकार नहीं है, ये समझना है। तो आप नहीं कह सकते कि उसका कोई एड्ज है, उसका कोई धार है कि भाई उसका आगे पीछे आकार ही नहीं, तो एड्ज कहाँ है? वायु का कोई एड्ज है क्या? जब आप टायर को हटा दो उस वायु का कोई एड्ज नहीं रहेगा ना। तो उसी प्रकार से ये कहना चाहते हैं वो अल्प परिमाण है, अल्प है, और ऐसे ही अल्प शक्ति में भी अल्प है और ज्ञान में भी अल्प है, जानने के सामर्थ्य मात्र रखता है। हाँ जी, आपके टायर वाले दृष्टांत से छोटे ट्यूब में छोटी वायु और बड़े ट्यूब में बड़ी वायु, कोई आपत्ति नहीं। इस आधार पर चींटी में छोटी आत्मा और हाथी में बड़ी आत्मा माने तो? अभी तो बात आया नहीं ना, हमने बताया कि आत्मा जो है वो हमने शरीर को आत्मा थोड़ी बताया, नहीं उसमें कोई बात नहीं, अभी मान लो कोई आपत्ति नहीं, परंतु आत्मा कभी भी वो मैंने आत्मा की बात बताया, आप शरीर की बात बता दी, इसलिए गलत है। हाँ मैंने बताया, मैंने केवल उसका दृष्टांत इसलिए दिया था कि उसका कोई धार नहीं है, उसका कोई माप नहीं है मेजरमेंट करने का वायु का, टायर में तो है, टायर को हटा दो माप नहीं है। तो इसी प्रकार से वो आत्मा माप बता रहा हूँ मैंने इसका, आपने फिर दृष्टांत पूर्ण रूप में कभी मैच नहीं होता साध्य के साथ, ठीक है ये हो जाएगा। तो यहाँ कहना चाहते हैं यहाँ पर आवरण में आता और शरीर के साथ प्रकट होने रूप हो जन्म लेता है, ये जीवात्मा जन्म ले ही रहा है,
एक जो मैं बात बताना चाहता था कि पाप रूप कर्मों में फल भोग रूप बंधन में फंसना, वो जो हम जो भोग रूप बंधन को फंसे हैं वो पाप कर्म के फल है। इसको विवेकी व्यक्ति अच्छे ढंग से समझता है, सामान्य व्यक्ति सामान्य पर समझ लेता है। पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन में फंसना, अर्थात जो हम संसार में भोगने के लिए, आप राजा परिवार में जन्म होना चाहते हैं ना, एक वैदिक राज्य होगा, उसमें चक्रवर्ती राजा के परिवार में आप जन्म होंगे, कितने बढ़िया होगा। बढ़िया होगा कि नहीं, बढ़िया तो है ना, वैदिक राज्य है, जो पूरा युवा रहेंगे आप चक्रवर्ती राजा के राजा होंगे और सारे आपके बातों को, हाँ आपके बातों को सारे मानेंगे, कोई रोक फोक अन्याय आपके ऊपर होने वाला है ही नहीं। तो इसी प्रकार से रहना ये चाहेंगे आपने, तो ये चाहते हुए यदि मान के चले जन्म भी राजा परिवार में मिल गया, इतने पुरुषार्थ पुण्य किए, ये जिये बड़े बड़े यज्ञ किए, दान दिए, समाज को एक भावना रखे, तो आप बन भी गए, तब भी महर्षि क्या कहते हैं, वो शरीर मिल जाएगा ना आपको, तो वो शरीर जो यदि मिलता है तब वो बताए कि पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन है। समझ में आ रहा है, मतलब जितने उत्तम कर्म करने के बाद मिलेगा, सबसे उत्कृष्ट जो है वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे आप, मतलब जो भोग भोग के दृष्टिकोण से है कि नहीं, तो उस भोग के दृष्टिकोण से जो मिलेगा तो वहां पर ये बंधन में फंसना ही ये पाप कर्म का फल है। तो क्या हो गए, योगी व्यक्ति, योगाभ्यास व्यक्ति, जो मुक्ति को चाहने वाला व्यक्ति यदि संसार के रहने की इच्छा करता है, बड़े चक्रवर्ती राजा भी बने, उसको क्या कहते हैं, शब्द बता दिए, ठीक है। आगे तो उसको छोड़ने के, उसके छुड़ाने के साधन भी करेगा, जो बंधन में है तो दुखों से छूटने की प्रयास करेगा ही, और दुखों से छूटने की इच्छा करना और दुखों से छूटकर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है, क्योंकि दुखों से छूटना चाहना ये स्वाभाविक हम पकड़ में आता है। सुबह से शाम तक जो कार्य करते हैं, स्नान करना, नहाना, जो भी जितने कार्य, स्नान करते हैं, खाते हैं, विश्राम करते हैं, नौकरी करते हैं, सारे कुछ हम दुखों से छूटने के लिए करते हैं, ये स्वाभाविक क्रिया है हमारे, तो इन दुखों से छूटने के लिए प्रयास करते हैं, करते हैं कहाँ पर, इस संसार में, ये हमारा जानता है। तो इसमें बताते हैं कि दुखों से छूटकर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति में प्राप्त करना, अर्थात परमपिता परमात्मा के पास में जो आनंद है वो हमको तृप्त सुख दे सकता है, संसार के कोई वस्तु अर्थापति हो गए उसमें हमको तृप्त सुख व पूर्ण रूप से दुखों से निवृत्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए बता दिए कि दुखों से छोड़कर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है जो जीव बंधन में है, तो जीवात्मा बंधन में आता है। फिर प्रश्न वाला प्रश्न रख लेता है, एक हल प्रश्न पढ़ देते हैं, चलो यहाँ तक विषय रखते हैं आज, कल जो है वो आपका हाँ आत्मा के विषय में वो बताएंगे, अभी आत्मा के विषय प्रकरण चल पड़ेगी, चर्चा होगी, क्योंकि आत्मा विषय जानना होगा, तो ये सब धर्म देह और अंतकरण के है कि जीव जीव के नहीं है, ये करेंगे आत्मा के स्वरूप के विषय में चलेंगे, मतलब ब्रह्म आत्मा एक है कि अलग है, वो चीज चर्चा होगी कुछ थोड़ा। जी एक छोटा सा संशय है, जी आपने पहले कहा कि जो आत्मा जो है हर समय कर्म ध्यान और उपासना कर रहा है, तो हम तो दिन में बहुत से ऐसे कार्य करते हैं, बाथरूम भी जाते हैं, सब कुछ है, तो उस समय उपासना को समझने के प्रयास करना, उप आसन अर्थात पास में बैठना, पास में बैठ व्यक्ति आसन है, नहीं 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 मैं ध्यान देने अपर हो गया ना नीचे, नहीं इसको फिर मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, धैर्य पूर्वक समझे कि उपासना मतलब पास में बैठना, पास में बैठना मतलब पास में कोई है ये अनुभूति में बना रहना, अर्थात किसी एक, जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पर, तो आप लोग ये सारे बैठे हैं आपने, तो मैं आपको चाह रहा हूँ, परंतु मेरे भाव है कि सभी बैठे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ, परंतु मेरे बोध है कि आप इतने 5-7 व्यक्ति बैठे हैं, ये बोध है, समझ में आ रहा है कि भाई ये फोन से सुन रहे, ये भी बोध है, इसको मैं देख नहीं रहा हूँ फिर भी इस फोन में सुन रहे, ये बोध है, तो ये कहते हैं उपासना, इनके पास में मैंने मन में रखा हुआ हूँ,
इनको पास में रखते में व्यवहार कर रहा हूँ। तो ऐसे हर जीवात्मा किसी न किसी इच्छा को पास में रखते हुए कर्म करता है, वो इच्छा उस समय के लिए उसका उपासना हो जाएगा। एक टारगेट होता है ना किसी चीज़ का, तो वो इच्छा उस लक्ष्य उस चीज़ का उपासना हो जाएगी, उसको रखते हुए कर्म करता है और कर्म के परिणाम से वो जानता भी है। जी धैर्यपूर्वक समझे, कहाँ इच्छा ज्ञान हुआ है, इच्छा तो एक कोई भी उदाहरण दे दो मुझे, किस चीज को आप जानना चाहते हैं अभी, किसी भी एक दृष्टांत दो, मैं तीनों चीज बता दूंगा आपको। आप बात देखो, बाथरूम जा रहे हैं घर से, बेडरूम से बाथरूम की ओर जा रहे हैं, इसमें कर्म क्या हो रहा है, जाना हो गया कर्म समय, हाँ कर्म हो गया। जाते समय मैं जा रहा हूँ ये अनुभूति हो रही है आपको, ये उसको कहते हैं इसका ज्ञान हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ ये अनुभूति हो रही है। ठीक है, किस लिए जो जा रहे हैं, अभी उपासना किसका होता है, किस लिए जा रहे हैं आपने, नहाने के लिए। ठीक है, वो नहाना आपका उपासना है, नहाना को दिमाग से रखते हुए आप जा रहे हैं, एक उद्देश्य को रखते हुए कर्म कर रहे हैं। अभी नहाने का अनुभूति नहीं हो रहा है, अब तो जाने का अनुभूति हो रहा है, जान अलग और उद्देश्य जिसको दिमाग से रखते हुए आप क्रिया करते हैं और उसी के उपासना हो रहा है अभी। तो एक व्यक्ति मान के चले अभी, हाँ जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, हाँ अभी देखो मैंने बताया एक LIC एजेंट मेरे सामने बैठा है, ठीक है, और एक योगी व्यक्ति बैठा है, एक विद्यार्थी व्यक्ति बैठा है। ठीक है, मैं प्रवचन दूंगा तो तीनों का उपासना ज्ञान तो एक ही प्रकार होगी, मैं जो बोल रहा हूँ सुनेगा, लेकिन उनका उद्देश्य भिन्न भिन्न है। LIC एजेंट तो आया कि यहाँ पर कैसे एजेंट कराऊंगा, और दूसरे जो योगी व्यक्ति आया कि कैसे कुछ मुझे ज्ञान मिल जाए। एक विद्यार्थी होते मैं इसके बातों कैसे रट्टू, तो अपने अपने जो उद्देश्य है वो उसका उपासना कर रहा है, उसी हिसाब से उसको रिसीव करेगा उस ज्ञान को। तो यहाँ पर संशय इसलिए था जी, जो हमारी योग दर्शन पुस्तक है उसमें स्वामी सत्यवती जी ने उपासना के बारे में लिखा कि जहाँ पर एक उपास्य है एक उपासक है जी, और जो 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 प्रार्थना मतलब वो उपासना को इस तरह से करा, उन्होंने ध्यान और उपासना में मतलब जो मुझे समझ आया बात ये बताया कि ध्यान में ध्यान है वो केवल अपने स्वरूप का ध्यान कर रहा है, लेकिन उपासना में उपास्य उपासक भाव है। तो यहाँ पर हाँ, तो ये ऐसे मैं उपासना शब्द को समझना चाह रहा हूँ इसीलिए, ये रिकॉर्डिंग भी होता है तो चलो इसको चर्चा हम आगे कर लेंगे, लंबा चलेगी, परंतु इतने समझ लेना कि भाई उपासना अर्थात पास में बैठना, आत्मा के पास में, आत्मा के एक जो उद्देश्य है जो कामना है जिसको रखते हुए सामने पकड़ते हुए कार्य करता है वो उसका उपासना मानना चाहिए। ठीक है, आगे और विचार कर लेते हैं, ओम का उच्चारण मंत्र पाठ करेंगे, बंद कर लो इसको।